हाँ मिल रहा बेटा, मिल रहा है। और ही लोग तो, और ही लोग तो, और ही लोग तो। ओके स्पेशल लीटर है डीजल। ₹94.84 डीजल है। एक काम करो, देखते हैं कितना लीटर होता है। इधर आओ, देखिए कितना का आता है डीजल। डीजल हाँ, तो हमारे एक सब्सक्राइबर मिले हैं और भाई दूर से देख के पहचान लिया। क्या नाम हुआ? युवराज सिंह। कब से फॉलो कर रहे हो? मेरा तो 2-3 साल हो गया। 2-3 साल से भाई फॉलो कर रहे हैं, इस बात पे लाइक बनता है। थैंक यू सो मच भाई। हर वीडियो मैं देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। पूरा फुल करना ठीक है ना, पूरा हिला हिला कर डालेंगे, कहीं बंद ना हो पाए। और जगह हो गया नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। कितना का हुआ? 4,929.78। ओके तो फाइनली हमारा सामान पैक हो गया और इधर पापा बैठे हुए हैं। आए करिएगा, आए कर दीजिए। ओके तो सामान इतना सारा है, घर के लिए जा रहे हैं। तो अभी 45 मिनट हो गया हमें, और 45 मिनट से अभी मैं रांची छोड़ा हूँ, क्योंकि इतना ट्रैफिक है भाई रांची में, इतना ट्रैफिक है मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिलहाल अभी निकल गए हैं रांची से, और टाइम लगेगा अभी, और रास्ते में भरपूर इंजॉय चिल्ड करते हुए जाएंगे। दिखाएंगे कौन कौन सा जगह और कहाँ कहाँ पे हम लोग रुकते हैं, और क्या खाते हैं और क्या खिलाते भी हैं, वो भी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, अब पहुँच गए हैं शायद कमड़े। ये जगह का नाम है कमड़े, धौली का फार्म हाउस इधर ही है। बस बहुत जल्द आगे फिर मिलते हैं आप लोग से। आते आते इतना ज्यादा गर्मी होने लगता है ना कि बता नहीं सकते। बस लाते हार पार किए और उसके बाद देख थोड़ा सा सोचे ब्रेक ले ले, फिर चाय हो जाएगा कि नहीं। चाय मौसम कितना सुहाना दिख रहा है ना, बहुत हार्ड है तो गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी मैं लाते हार में रुका हूँ और चाय का मजा ले रहा हूँ गर्मी में, लेकिन बहुत मजा। अभी मेन चीज़ तो आपको दिखाना रह गया, मंकी। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मंकी कितने सारे हैं। लातेहार से थोड़ा दूर है, देखना। हम लोग रुके।
रुके थे जस्ट वहाँ लगा हुआ है हमारा थार और रुके हुए हम लोग कैंप है, कैंप के बाद यहाँ पे हम लोग रुके खाना खाने के लिए। बाली से इधर हम हैं और उधर पापा हैं, तो इधर अभी रुके हुए हैं स्टे करने के लिए कुछ टाइम। और यहाँ का देखिए भाई क्या मस्त एकदम गार्डन बना हुआ है यार, क्या गार्डन है, ज़बरदस्त गार्डन है। और मेरा गाड़ी चलाते चलाते इतना बुरा हाल हो गया कि चेहरे पे पसीना दिखता होगा, बट कोई नहीं, अपने घर जा रहे हैं, हैप्पी होके जा रहे हैं। ये गार्डन बहुत अच्छा है, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन बात करें इस गार्डन के बैठने उठने के लिए तो बहुत अच्छा जगह है। जैसा देख सकते हैं इधर भी आप बैठ सकते हो आकर के, मैंने वहाँ पे पूछ लिया कि यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो बोले कि हाँ बिल्कुल बैठ सकते हैं। तो ये व्यू देखिए यहाँ से आपको कितना कमाल का दिख रहा है, ये माउंट देखिए सामने, और इधर पूरा जंगल है और जंगल के बीचों बीच यहाँ पे कैंप बना हुआ, उधर पूरा पहाड़ से भी मैं गाड़ी चला करके आया और फिर इधर आकर के यहाँ रुका हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा जगह लगा देखने में कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, तो मैंने रुक गया। अब हम लोग खाना पीना खाते हैं, खा लेते हैं, देखते हैं, बहुत टेस्टी है। मैं आपको दिखाऊंगा सबसे स्पेशल जगह जो मैं आपको बताया था कि सबसे बेस्ट जगह, जैसा कि ये है मेरा बेस्ट जगह मंकी, इसके लिए मैं चना वगैरह सारा लेके आया हूँ इन लोगों को खिलाने के लिए, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा खिलाऊंगा इन लोगों को और देखते हैं और कहाँ पे है। इधर बहुत सारे है जैसा देख रहे हैं, देखिए बच्चे हैं। तो फाइनली ये बंदर लोग को मैं स्पेशल चीज बोल रहा था खिलाने के लिए। तो मैं आ गया मनिका जंगल में, ये सारे बंदर लोग जो देख रहे हैं ये सबको अभी चना उना फुला के लाया गया है, इस लोगों को खिलाया जाएगा। ये सारे देखिए दौड़ दौड़ के आ रहे हैं अभी। वाह, इन लोगों का खाना उधर दो, इधर भी तैयार है, दूर से देना ठीक है। वाह, इन लोग के लिए चना फुला के लाया, तो ये लो। हाँ मिल रहा बेटा, मिल रहा है। और ही लोगो तो, और ही लोगो तो, और ही लोगो तो टाइट, अभी मैं खाता हूँ आप लोगों को। वाह, ये जो औसम जगह है भाई, औसम। पापा दे रही इधर से चना, इधर पापा दे रही इधर से पहले ही मैं इन लोग को दे देता हूँ कुछ इधर क्या। हेलो हेलो, चना कितना साफ से खाते नहीं सब। अगर आप लोग भी ऐसे रास्ते में जा रहे हो तो जरूर कुछ खाना ऐसा ले जाओ, कभी रास्ते में जरूर खाते बस। और देते हैं थोड़ा सा, फाइनली मैं बंदरों को खिला दिया चना वगैरह जो लाया था, लेकिन इसमें एक बंदर जो है ना वो बहुत बड़ा शैतान है, वो क्या कर रहा है सबको डरा रहा है और उसके डर से कोई आ नहीं रहा, लेकिन जिनको खाना था वो खा लिए। देखिए कितने सारे, मजा आ गया, चलो अब चलना चाहिए। देख लीजिए ये बड़ा शैतान बंदर है, किसी को टच नहीं होने दे रहा है, अकेले खा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो पसंद आया तो सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा और जो लोग इस चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करना तो बनता है। अभी घर जाना बाकी है भाई, थोड़ा दूर है, क्या बालिश चले, बहुत लेट भी हो जाएगा फिर। चलो चलते हैं।